आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सरगुजा आईजी अजय कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बलरामपुर पुलिस की तारीफ। कलिंग एग्रो कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 9 आरोपी और गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सरगुजा आईजी अजय कुमार यादव ने कलिंग एग्रो कंपनी नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बलरामपुर पुलिस की सजगता और सफल प्रयास के कारण ही अन्य राज्यों को भी इस गिरोह के बारे में पता लगा। उन्होंने बलरामपुर पुलिस की सराहना की। उन्होंने बताया कि आज 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 7,26,000 की नगद राशि, 12 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक आईडी आईबीआई का, 24.5 लाख रुपए अकाउंट में है, उसे सील करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी जांच में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि लगभग अन्य राज्यों को मिलाकर 3 करोड़ की राशि गबन का अनुमान है, जिसे बलरामपुर पुलिस ने उजागर करके सराहनीय कार्य किया है। इन लोगों के द्वारा बलरामपुर जिले में 80 लाख की ठगी की जा चुकी है। कुछ दिनों पूर्व भी 5 लोगों को और गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलब शामिल रहे। 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे, इनके पास से अनेकों सिम कार्ड, 4 मोबाइल, 75,000 रुपए नगद और एक डस्टर गाड़ी जिसका नंबर UP 32ED 6566 इसे जब्त किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक रमाकांत साहू, संतराम आयर, सुषमा सिंह, उप निरीक्षक अमित गुप्ता, विनोद पासवान, रजनीत सिंह सावनी, संदीप सिंह, राफेल तिर्की और संतोष सिंह, शैलेंद्र तिवारी, शिव पटेल, अंकित जायसवाल, संतोष गुप्ता, अभिषेक पटेल, रिंकू गुप्ता, साइबर सेल से कलेश्वर तिर्की, मंगल सिंह, अमरेंद्र सिंह, राज कमल सैनी, प्रदीप साना इत्यादि शामिल रहे। बीबीसी लाइव के लिए डिविजनल हेड राजू पटेल की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।